जिला में गदीप्स रैपिड एंटीजन टेस्ट में एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। किन्हीं कारणों से आईटी सेल में प्रवेश न पाने वाले युवाओं को हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम अन्य शॉर्ट टर्म कोर्स यानी कम अवधि वाले प्रशिक्षण कोर्स करने का अवसर प्रदान करने जा रहा है। कांग्रेस नेता शेगुन दत्त शर्मा ने प्रदेश भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार ने सत्ता संभालने के बाद मात्र 15 से 20 लोगों को सत्ता सुख देने के अलावा प्रदेश के लाखों लोगों की समस्याओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अच्छे दिनों का तो पता नहीं, लेकिन बुरे दिन अवश्य आ चुके हैं। देश के इतिहास में पहली बार तेल के दाम आसमान छू गए हैं। उपमंडल सलूणी के किहार में पब्लिक पुस्तकालय का शुभारंभ एसडीएम सलूणी किरण भडाना द्वारा क्षेत्र के आईआईटी उत्तीर्ण युवा अश्विनी द्वारा रिबन कटवाकर किया गया। सड़क सुरक्षा के मासिक अभियान के अंतर्गत क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बद्दी स्थित नालागढ़ राम प्रकाश ने सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा प्रसंग पर आधारित समापन समारोह का आयोजन वीर स्थान में किया। अटल टनल रोहतांग के खुल जाने से लाहौल घाटी में पर्यटन की संभावनाएं बहुत बढ़ गई हैं।